मेरे बेटे को मार दिया है। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। आक्रमण! बाल बब्बर का दिल अभी भी जिंदा है, इसलिए रुद्र के रक्षक बाल बब्बर को बचाने के लिए दिव्य फल लाने गए हैं। इसे संभाल लूंगा। बस हम तुम्हें छोड़ के कैसे जाए? तुम लोगों ने जल्दी यहाँ से जाओ, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हम तीनों का एक साथ रहना यहाँ बहुत खतरनाक है, और वो भी हमारी शक्तियों के बिना। अब देख तो मैंने अपनी सूर्य की शक्ति भी इस्तेमाल कर ली। तुम लोग जाओ, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें टापू के उस पार मिलूंगा। जाओ से मुझे मारने के लिए यहां तक आ गए। जल्दी बैठो मेरे ऊपर, मेरे बेटे के पास ज्यादा समय नहीं है। सोच क्या रहे हो? जल्दी आओ। हाँ जितना तेज दौड़ना है दौड़ो, अभी अंत में जीत मेरी और गुरु काल की ही होनी है। ती आसमान पाताल का हर जीव मुझसे हारा, नाम है त्रिकारा। बाजी! क्या हुआ? बाजी नहीं गिरा! बाजी, बाजी दीदी को क्या हो गया? बाजी नहीं गिरा! लगता है किसी ने काली शक्ति का प्रयोग किया है इस पर। बाजी कुछ कीजिए ना बाजी। मंत्र इच्छा पूर्ति हो। बाजी रुको, जल्दी जाकर महागुरु को बुला कर ले आओ। पर वो तो जीजा जी के साथ वहां। बस जाकर उन्हें कहो कि उनकी यहां सख्त जरूरत है। जाओ जाओ ठीक है। जाओ टुकु, जल्दी जाओ। ठीक है। Thank you.
हे भगवान, ये कौन सी नई विपत्ति आ गई? माँ गुरु जल्दी चलिए, दीदी की तबीयत बहुत खराब है। सुनो। प्रणाम महागुरु। प्रणाम। महाराज जब सुबह उठ जाएं, तो उनसे कहना कि बच्चे बाल बब्बर को बचाने के लिए दिव्य फल की खोज में गए हैं, और याद से बताना, नहीं तो उन्हें बहुत बड़ी चिंता होगी। जी महागुरु। महागुरु चलिए। थैंक यू बब्बर राजा, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन आपका अचानक से मन कैसे बदल गया? जब हम लोग यहाँ आने वाले थे तब तो आप हमें मारने की बात कर रहे थे। क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम ही ने मेरे बेटे की जान ली, इसलिए मैं रात को तुम्हारे शिविर में भी गया था चुपके से तुम्हें अगवा करने। लेकिन वहां महागुरु ने मुझे बताया कि तुम और तुम्हारे दोस्त मेरे बेटे की जान बचाने यहाँ दिव्य चक्र व्यूह में अपनी जान दांव पर लगा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और अगर तुमने बाल बब्बर की जान बचा ली तो मैं ये जंग आज ही खत्म कर दूंगा और मेरे और आदित्य के बीच शांति संधि हो जाएगी। थैंक यू बब्बर राजा, तो फिर चलिए, देर किस बात की। विशु, ये तूने क्या किया? वो तुम दोनों आमने सामने खड़े थे, मुझे लगा वो तुझे मार देगा इसलिए। अरे विशु, फिर कर दी ना गड़बड़, बब्बर राजा तो हमारी मदद करने आए थे। तेरी मैंने कुछ नहीं किया। तो बच्चों का तंबू है। और इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? और ये लोग अपने सर झुकाए क्यों खड़े? कहीं मेरे बच्चों को। महागुरु का महाराज, उन्हें आज रात को किसी जरूरी काम से हवेली बुलाया गया है। हुआ क्या यहाँ? किसी ने कुछ देखा? कहीं मेरे बच्चे। ओए, बता आपने राजा को, बता क्या संदेश दिया है महागुरु ने तुम्हें? अरे बता ना। महाराज जब सुबह उठ जाएं, तो उनसे कहना कि बच्चे बाल बब्बर को बचाने के लिए दिव्य फल की खोज में गए हैं, और याद से बताना, नहीं तो उन्हें बहुत बड़ी चिंता होगी। जी महागुरु। महाराज, लगता है कल रात बब्बर और उसके जानवर इसी सुरंग के जरिए हमारे शिविर में घुसे थे। बहुत हुआ इन जानवरों का आतंक, बब्बर राजा ने आज हद ही पार कर दी है। मैं आज अभी जंग का ऐलान करता हूं। तोड़ दो ये दीवार, ये मेरा आदेश है। अरे, हम अपने राजा सिंगाड़ा बाज के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, हम ही इन दीवारों को तोड़ेंगे। सैनिकों, हमारे सरदार है कहाँ? जल्दी उसका पता लगाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जाओ। Thank you.
लड़ो लड़ो, यही तो मैं चाहता हूँ। शकुन, अंत में जीत होगी तो बुराई की। क्या हुआ मेरी आऊ? अरे आओ आओ, ये तुम्हें क्या हुआ? आओ, कैसे लगी? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ गुरुकार, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बाल बब्बर को नहीं मार पाई, आपका काम करने में मैं असफल रही। इसी काम के नहीं हो तुम दोनों, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। रुक्मणी पर लगे कीड़ मंत्र को तो मैं ठीक कर चुका हूं, लेकिन इस पर अभी भी काली शक्तियों का साया है। उन्हें ठीक करने के लिए मुझे कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें लेकर मैं जल्दी से जल्दी आता हूं। ठीक है महागुरु, जल्दी ले आइए। रुक्मणी, जल्दी ठीक हो जा बेटा। दीदी आपको ये क्या हो गया? अब वापस आ जाइए दीदी, आपके बिना पूरा घर सोना लगता है। दीदी आपके इलाज के लिए जो भी कुछ हो गया टुंकू भोपाली सब करेगा, आपका भाई आपको बुला रहा है। दीदी वापस आ जाइए, अभी तो आपके भाई की शादी भी नहीं हुई। सॉरी बब्बर राजा, वो मुझे लगा कि कोई बात नहीं। शक और गुस्से में अक्सर हम अपना होश खो देते हैं, ये मुझसे भला कौन जानता है। बॉस, हम कब से चल रहे लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, ये महागुरु जी हमें इतना क्यों डरा रहे थे? ऐसे तो हम चल चल के दिव्य वृक्ष तक पहुँच जाते। पता नहीं, लेकिन अगर वो फल इतना शक्तिशाली है कि बाल बब्बर को इस हालत में भी जिंदा कर सकता है, मतलब उसे पाना इतना आसान नहीं होगा। ये आवाज, चलो रुको माया, ये कोई चाल भी हो सकता है। आखिर हमें इस जगह के बारे में पता ही क्या है? लेकिन हम इसे ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते ना, यहाँ पे पेड़ पौधों के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ माया, तूने सही कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। या
आवाज कैसी थी? वनवासियों, हमारे बब्बर राजा न जाने कहां गायब हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं है। क्या पता, शायद इन इंसानों ने ही रात के अंधेरे में हमारे बब्बर राजा को मार दिया हो। उनकी गैर हाजिरी में उनका सेनापति होने के नाते मैं ये ऐलान करता हूँ, फैसले की घड़ी आ चुकी है। अब या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे, लड़ो या मरो। हे दर्पण, मैं बादशाह